हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में फिर से हम लोग सीखने वाले हैं टेबल ग्रुप्स के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था और बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रो और कॉलम किसे कहते हैं, और टेबल का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, और डाटा एंटर कैसे करते हैं। आज के क्लास में हम लोग एडिटिंग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने टेबल बना के रखा है यहाँ पे, अब देखिए पिछले क्लासेस मैंने आपको समझाया था रो एंड कॉलम पर। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है मर्ज। अब मर्ज में देखिए हमारे तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला है मर्ज सेल, दूसरा है स्प्लिट सेल, और तीसरा है स्प्लिट टेबल। अब मतलब क्या है, तीनों को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मान लो मैं जो हेडिंग बनाना चाहता हूँ, जो मैं डाटाबेस बना रहा हूँ, एक स्टूडेंट डाटाबेस बना रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा एक रो बन जाए या एक ऐसा बड़ा सा सेल बन जाए जिसके सारे हम हेडिंग दे सके और उसके साइज को बड़ा कर सके। तो अगर हम आते हैं और यहाँ पे अगर कोई रो ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और रो ले लेता हूँ ये। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूँ, जैसे सपोज स्टूडेंट डाटाबेस, जब स्टूडेंट डाटाबेस बनाएंगे तो कोई भी अगर इस डाटा को देखता है तो समझेगा कि यह हेडिंग है केवल इसके लिए, ना कि यह सबके लिए। तो हम सोच रहे कुछ ऐसा हो जाए कि बीच में लाइनिंग गायब हो जाए, यह लाइनिंग या कॉलम का जो लाइनिंग दिख रहा है यह ना हो, और जो लिखे हैं वो लगे कि हाँ ये सबका मेन हेडिंग यही है। तो उसके लिए करते क्या है, उस पूरे सेल को मर्ज करते हैं। जैसे सेल सीरियल नंबर एक सेल है, स्टूडेंट नेम एक सेल है, एड्रेस एक सेल है। हम सोच रहे सारे सेल को मर्ज कर दें और एक सेल में कन्वर्ट कर दें। मीन्स जो बिट है वही रहे, जो जितना बड़ा टेबल बना है वो बना रहे, लेकिन जो सेल हो, जो बहुत सारे सेल दिख रहे हैं, वो एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मर्ज सेल में, यहाँ पे मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस समय अनचेक है, लेकिन अगर जैसे में एक से ज्यादा, क्योंकि एक तो सेलेक्ट करें कोई मतलब है नहीं, मर्ज का मतलब एक से ज्यादा सेल सेलेक्ट करो तब मर्ज करो। देखो मैं पहला सेलेक्ट किया और दूसरा, तो अपने आप देखो मर्ज वाला हाईलाइट हो गया, लेकिन इससे पहले देखो क्लिक किया तो हाईलाइट नहीं था, लेकिन फर्स्ट को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया, तुरंत मर्ज सेल हाईलाइट हो गया। मीन्स यह जब कई सारे सेलों को एक सेल में कन्वर्ट करना होता है तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं मर्ज सेल का। तो चलिए हम सोच रहे हैं मेन हेडिंग हम दें स्टूडेंट डाटाबेस, इसके लिए हम सोच रहे हैं यह मर्ज हो जाए, तो हम पूरी को सेलेक्ट करेंगे यहां से लेके और जहां तक हमारा है, और सेलेक्ट करने के बाद से हमको बस कर देना है मर्ज सेल। अब जैसे मर्ज सेल करेंगे तो देखिए हमारा सेल क्या हो जाएगा, पूरा मर्ज हो जाएगा, जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और लिखना हमको स्टूडेंट डाटाबेस। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने बाद से होम टैब पे आ जाएंगे और इसको करेंगे सेंटर और अलाइनमेंट थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। क्लियर है? अब जो भी हमको डाटा बनाना है हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा यहाँ पे बनाते जाएंगे। अब सीरियल नंबर वन, अब राहुल, जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ से दे सकते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेल है, कैसे मर्ज करेंगे, तो हमने आपको बताया कैसे मर्ज करना कैसे नहीं करना है। अब रहा सवाल, अगर कोई कह दे कि हम इस सेल को, जो हमारा सेल है, उसको कई सारे भागों में तोड़ना हो, क्योंकि ऐसा हमारे पास डाटा मिल जाता है कि जो एड्रेस है इसको दो कॉलम में कन्वर्ट करना है, या जो हमारा यहाँ फी वाला है उसको दो कॉलम में कन्वर्ट करना है, मतलब एक सेल को कई सारे कॉलम में अगर कन्वर्ट करना हो, कई सारे रो में कन्वर्ट करना हो, मतलब उस सेल को तोड़ना हो कई सारे भागों में, तो वहां पे इस्तेमाल करते किसका, स्प्लिट सेल का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ लास्ट में, क्या यहाँ पे आता हूँ और जो मैंने हेडिंग यहाँ पे दिया ड्यू अमाउंट, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉलम बनाना चाहते हैं पेंडिंग अमाउंट फॉर एग्जाम्पल, तो थोड़ा सा हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं क्या, यहाँ पे दो कॉलम इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और स्प्लिट सेल। अब पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, मतलब कितने कॉलम और कितने रो में तोड़ना चाहते हैं इसको, तो बोला दो कॉलम में रो, तो एक है तो एक रहने दे, तो ओके कर देंगे। तो देखिए एक हमारा यहाँ पे कॉलम इसी सेल में आ गया, आया ना। अब करना क्या हमको, ये अलग नहीं है, इसी के अंदर है, तो
तो हमको लिखना है पेंडिंग अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है? मतलब डाटा तो एंटर यहीं पे करेंगे। अब कह लो डी अमाउंट समझे या पेंडिंग अमाउंट समझे, समझ यार बात है ना आपको। मींस जब किसी सेल को हमको तोड़ना हो, और ऐसा नहीं कि दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दो तीन चार और रो में भी तोड़ सकते हैं। जैसे स्प्लिट किया और हम सोच रहे हैं चार कालम और दो रो में टूट जाए, तो देखो यह चार कालम और दो रो में टूट के चला है। अब डाटा जैसे बनाएंगे उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं किसका, स्प्लिट सेल का। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, थोड़ा अंडू करते हैं और कुछ और भी हम बातें सीखते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा हम डाटा कुछ बना लेते हैं डीएफए। और सपोज मैंने यहाँ पे और इंटर बटन दबाया और एक लड़के का मैं और डाटा बना लिया, सुरेश रामकोला बीसीए, मैं इतना डाटा बना लिया। अब अगला है स्प्लिट टेबल। मीन्स अगर आप चाहते हो कि टेबल हमारा बड़ा है और उसको दो हिस्सों में हम तोड़ दें, कितने में, दो हिस्सों में तोड़ दें, तो जब टेबल को तोड़ना हो, क्या करना हो, टेबल को तोड़ना हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा क्या, स्प्लिट टेबल का। अब कैसे, सपोज मैं सोच रहा हूं कि राहुल ये अलग टेबल में आए डाटा और जो सुरेश है वो अलग टेबल में आए, तो बस हमने यहां क्या किए, इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने वाले कर दिए स्प्लिट। क्लियर है? जब टेबल को तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जब ये रिक्वायरमेंट कभी आता नहीं जल्दी। हाँ अगर जोड़ना है तो क्या करेंगे, अगर तोड़ दिया कभी जोड़ना तो बस लाके यहाँ पे इसको क्या करें, मिला देंगे जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसा रिक्वायरमेंट कभी कभी आ जाता है जब डाटा ज्यादा हो जाता है, तो सोचते नहीं, ठीक है कई सारे पेजों में जा रहा है तो वहां पे हम सोच रहे हैं अलग अलग टेबल कन्वर्ट कर दें, तोड़ दें, एक बार तो बना दिया, लेकिन एक बार में तोड़ना चाहते हैं तोड़ सकते हैं यहाँ से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ऑप्शन है वह है ऑटो फिट। और यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिखा रहा है, चलो मैं एक चेक करके बता रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, टेबल रो हाइट, मतलब जो टेबल बनाया है इसका रो का हाइट क्या करना है, कम ज्यादा करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बढ़ता जाएगा, और घटाना है तो यहाँ से घटता जाएगा। वैसे यहाँ पे बताया जा रहा टेबल कालम का बीच, अगर इसके चौड़ाई को अगर बड़ा करना है या कम करना है तो हम यहाँ पे कालम बीच पे आएंगे और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, और डाटा बनाएंगे तो बड़ा होता जाएगा, अगर कम करना है तो यहाँ से कम किया जा सकता है। जो हमने डाटा बनाया था तो ऑटोमेटिक फिट है ना, इसीलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक इसको सेट किया ऐसे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो, और नहीं अगर नहीं करना है तो क्या करो, यहाँ से करो और यहाँ से, मतलब जो काम हम वहां से करते थे वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो। चलो अगला जो ऑप्शन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिए, पहला ऑटो फिट कंटेंट, दूसरा ऑटो फिट विंडो, और तीसरा फिक्स कॉलम भी। तो पहले तो जो एक्स्ट्रा है इसको डिलीट करने दो, अब इसको एक्स्ट्रा को हटाना है एक बार में, इसके लिए देखिए यहीं पे ऑप्शन इरेजर, फिर आपको इरेजर पकड़ेंगे और ऐसे इसको उसको नहीं इसको सेलेक्ट किया, मर्ज है ना पूरा, इसको हटा देते बस। ओके इसको भी ऐसे डाटा ऐसे बना है, क्लियर है, क्योंकि पूरा एक में कन्वर्ट हो गया ना, तो ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा यह डाटा इरेज हो रहा है। तो देखो फिर से बता रहा हूँ इरेज करना, जैसे करोगे क्या, इरेजर ले लोगे और बस यहाँ पे इसको नहीं करेंगे तो ये भी हो जाएगा, तो बस यहाँ से लिया और ऐसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हटा दिया। अब कई लोग मन में सवाल चल रहा होगा कि सर अगर मान लो बीच में कोई इरेज करना है तब, तो बीच में भी इरेज कर सकते हैं, जैसे क्लिक कर दे लाइन हटाना बस, दिख रहा है, यहाँ पे भी हटाना है जगह देना और ऐसे इरेज किया जा सकता है, और एक बार में पूरा इरेज करना, लो पूरा इरेज हो सकता है। तो आपके ऊपर है जहां जहां पर रिक्वायरमेंट, इरेजर पता चलता है ना कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग शुरू से सीखते आए हो इरेजर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग लेआउट पे ही। देखो अगला तीन ऑप्शन है, पहला ऑटो फिट कंटेंट्स। तो देखो ऑटो फिट कंटेंट्स का मतलब क्या है, पहले तो अंडू करके डाटा को हम सही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आए और आने के बाद देखो जो सीरियल नंबर है सही है, लेकिन स्टूडेंट नेम देखो नीचे आ गया है, हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक हमारा डाटा क्या हो जाए, सेट हो जाए। इसके लिए करेंगे क्या, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे रो को, और सेलेक्ट करने के बाद से ऑटो फिट पे आएंगे
और देखो कई सारे ऑप्शन दिए गए ऑटो फिट कंटेंट, तो अगर ऑटो फिट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो जितने हमारे कंटेंट है ऑटोमेटिक फिट होते जाते हैं, जैसे क्लिक किया फिट हो गया, और लिखेंगे भी तो हमारा कॉलम और वो क्या होता जाएगा अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट होता जाता है। क्लियर क्लियर है, चलो हम अंडू करते हैं। और अगला ऑप्शन है वह है क्या, ऑटो फिट विंडो, मतलब जो विंडो हमारा जो दिख रहा है रूलर बेसिस या विंडो जो दिख रहा है या इस हिसाब से आपके अपने टेबल को एडजस्टमेंट करना है तो वहां पे करते हैं ऑटो फिट विंडो। देख लीजिए समझ बात है आपको, अगर हम सोच रहे नहीं नॉर्मल जैसा था वो ऐसा रहने देते हैं कॉलम के बीच के हिसाब से तो अंडू करेंगे तो बोला नॉर्मल नॉर्मल ही है, तो यह पहले से फिट है तो देखो फिट हो गया। देखो यहाँ पे अंडू थोड़ा करूं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कॉलम बीच ऑटोमेटिक इतना होने वाला हो गया, लेकिन दो का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स और ऑटो फिट विंडो, फर्क दिख रहा है आपको ना जी, तो वहां पे हम लोग इन सबका इस्तेमाल करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना कोई दिक्कत हो तो बताइए, हम थोड़ा रोकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम के बारे में। तो जैसे सपोज मैं टेबल बना रहा हूँ और टेबल बनाने के बाद से देखिए जो हमारा कॉलम का इस समय जो बिथ है वो ऑटोमेटिक सेटअप है। सपोज हम डाटा बनाते समय अगर मान लीजिए कॉलम का थोड़ा बिथ हमने क्या कर दिया, इसको कम कर दिया और इसका भी थोड़ा सा हमने कम ज्यादा कर दिया, मतलब सबका अलग अलग है। फिर हमने रो ले लिया थोड़ा सा एक दो और किसी का हम रो का हाइट थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, इसका भी हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हमारे साथ आ गया है और मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा तरीका मेरे पास रहता कि सारे कॉलम का बिट एक जैसा कर देते और हाइट जो है एक जैसा कर देते, इसके लिए हम आते हैं लेआउट पे। और सपोज मान लो यह जो हमारा कॉलम है और यह कॉलम है दोनों क्या हो जाए इक्वल में डिवाइड हो जाए, या सारा जो है सब सारा का सारा इक्वली डिवाइड हो जाए, इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, पूरे को सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के बाद से देखो ऑप्शन दिया है तो आते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो या डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, हमने सेलेक्ट क्या किया है कॉलम को, हम क्लिक कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो देखिए ऐसे अपने आप से इक्वली कट गया बराबर 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 हिस्सों में, समझ बात है आपको ना। लेकिन यह केवल ऊपर वाला सेलेक्ट की तो ऊपर वाला हुआ, हम सोच रहे क्या करें सारा हो जाए, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे इस पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और टेबल को सेलेक्ट करने वहां से कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, और देखिए सबका इक्वली 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 आ गया। क्लियर है, चलो देखो इसका ज्यादा है इसका कम है इसका ज्यादा है, तो अगर मान लो ये चार जो है सबका इक्वल हो जाए इसका वही रहने देते हैं, तो इन चारों को सेलेक्ट किए और चारों को सेलेक्ट करने वहां से कर देते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूट रो, तो देखो सबका इक्वल हुआ लेकिन इसका नहीं हुआ, हम सोच रहे नो सबका हो जाए, तो बस हम क्या करेंगे इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और पूरे को सेलेक्ट करने वहां से आ जाएंगे कहां पे, हाँ ये रो है तो रो वाइज ऐसे काम कर रहा है क्योंकि लेआउट हमारा यह है, सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने वहां से आ जाते हैं कहां पे डिस्ट्रीब्यूट रो, देखिए आगे सबका इक्वली, हाँ सर बोले क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वह है देखो अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे रखना है, तो चलो मैं थोड़ा सा बिट को ज्यादा करूंगा तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर आपसे इस समय कोई पूछ दे कि आपका अलाइनमेंट इस टेक्स्ट का क्या है तो पता नहीं अलाइनमेंट इस टेक्स्ट का क्या है, बाय डिफॉल्ट वह है लेफ्ट, क्या है लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि जो हमने डाटा बनाया है और टेबल भी बनाया है तो उसका भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, मतलब आप उसको राइट में भी ट्रांसफर कर सकते हो सेंटर में भी कर सकते हो, ठीक है, और सेंटर में करने के साथ बॉटम भी कर सकते हो, मतलब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए थे। देखो ऑप्शन दिया है कर अलाइन टॉप लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद से टॉप सेंटर, उसके बाद से टॉप राइट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट सेंटर सेंटर, ठीक है, उसके बाद से सेंटर राइट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट, मतलब क्या है बॉटम सेंटर और यहाँ पे बॉटम राइट, मीन्स जो आपका डाटा देखो कैसे करोगे बाय डिफॉल्ट क्या है लेफ्ट साइड में है, तो हम सोच रहे हैं सेंटर कर दे तो सेंटर कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं राइट में कर दे तो राइट में कर सकते हैं, और लेफ्ट में रहना है तो लेफ्ट
और हम सोच रहे हैं लेफ्ट में और सेंटर में, तो लेफ्ट सेंटर, सेंटर सेंटर, या सेंटर राइट, या आपको बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, या बॉटम लेफ्ट राइट, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आप टेबल बनाए हो उसका अलाइनमेंट क्या कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो। कैसे? आप पूरे को हम करना चाहते हैं सेंटर, तो सेलेक्ट किया और सबके सबका कर दिया सेंटर, टॉप पे हो लेकिन सेंटर में, या सेंटर सेंटर में, ऐसे कुछ। तो उस कंडीशन में इन सारे नौ आसन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? हो जाएगा ना? मीन्स इसका अलाइनमेंट कैसे रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब टेक्स्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है, टेक्स्ट को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रोटेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ठीक है, तो टेबल बनाते समय क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको रोटेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा डाटा मिल जाता है टेबल पे किनारे के रोटेट किया हुआ, तो आप इसका इस्तेमाल करके या डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? और सेल मार्जिन, तो वही मैं जो अभी पढ़ाया हूं, अगर आप चाहते हो सेल का मार्जिन भी सेट करना, टॉप पे कितना हो, बॉटम पे कितना हो, लेफ्ट पे कितना हो, राइट पे कितना हो, तो क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट है, उसको मैं कुछ करेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला जो ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको आपको पढ़ाया भी था और हाल ही में पढ़ाया। अगला जो ऑप्शन है वह हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में करना है तो आसानी तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, समझाया था, इस पर हम डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वह है रिपीट हेडर रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, रिपीट हेडर रो का मतलब यह है कि जब आप टेबल बहुत बड़ा बनाते हो और वह टेबल एक पेज से दूसरे पेज में चला जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि जो मेरा मेन हेडिंग है, समझने की कोशिश करना, जो मेन हेडिंग है तो डाटा तो दूसरे टेबल पर जा ही रहा है, लेकिन अगर दूसरे पेज पे चले जाएं और देखिए यार क्या डाटा लिखा गया, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि स्टूडेंट का नाम है कि एड्रेस कि क्या है। अगर डाटा ज्यादा हो और सेम डाटा हो तो उस कंडीशन में हम सोच रहे हैं कि जितने पेज पे हमारा टेबल जाए, हर एक टेबल पे जो मेन हेडिंग हमारा वह बार बार रिपीट हो, क्या हो, बार बार रिपीट हो, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं रिपीट हेडर रो। क्या करते हैं, रिपीट हेडर रो। तो चलिए हमारा मेन हेडिंग यही है ना, सीरियल नंबर, यह वो हमको नहीं दिखाना है, वो मेन है ही है, लेकिन रिकॉर्ड तो हमको यही चेक करना है, सीरियल नंबर कौन सा है, स्टूडेंट नेम क्या है, एड्रेस क्या है, तो हम सोच रहे सब हमेशा ये रिपीट हो। तो प्रेजेंट टाइम में इसको हम हटाते हैं और हटाने पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से सुनना समझना। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने पर इसको डिलीट करते हैं, डिलीट रो, और इसकी भी मुझे जरूरी नहीं है, इरेजर पे आके इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। क्लियर है? और ये भी टेबल हमें जरूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद टेबल पे क्लिक किया और क्लिक करने पर टैब बटन दबाते गए। अब देखिए हमारा टेबल क्या हो रहा है, ये नेक्स्ट वाले पेज पे भी चला जाएगा। देखिए टेबल दूसरे पेज पे है, लेकिन आप बताओ अगर मान लो यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हो और किसी स्टूडेंट का नाम लिखा हो, फिर से जाना पड़ेगा, मेन हेडिंग क्या है जी, ये स्टूडेंट ने, फिर से पढ़ा हमने, ये नीचे क्या है जी, तो एड्रेस, ऐसा दिक्कत होगा ना। तो हम सोच रहे नहीं, हर एक क्या हो जाए, हर एक पेज पे हमारा मेन हेडिंग हमेशा जाए, रिपीट हो। तो इसके लिए हम आते हैं लेआउट में, और लेआउट में आने के बाद से थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अंडू करते हैं, अंडू, और सेलेक्ट करने के बाद से इसको, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद से, टेबल को हमने सेलेक्ट किया और टेबल पूरा सेलेक्ट करेंगे तो भी नहीं होगा, चलो मैं यहाँ बस क्लिक कर दे रहा हूँ, लेआउट पे आ रहा हूँ और क्लिक करूंगा रिपीट हेडर रो। अब जैसे रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे, देखो हो गया ना, अब हम दबाते हैं टैब बटन, कहाँ पे, लास्ट में आके, यहाँ से आपकी मर्जी टैब बटन दबाते जाओ। आप देखिए दूसरे पे हेडिंग आ गया, फिर से नीचे देखो टैब बटन दबाएं, तीसरे पे भी आ जाएगा, देखना ध्यान से, कई लोग पता चलेगा सर क्या हो रहा, फिर से करेंगे बताइए एक बार, आ गया, तो हर एक पेज पे क्या हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक हेडिंग जंप कर देगा। डाटा बढ़ाए कोई दिक्कत नहीं, बढ़ाते जाओ, नंबर ही देते जाओ, लेकिन जो मेन हेडिंग है पता चले ना कि ये क्या बना रहे हैं, ठीक है, पता नहीं चले, अगर मान लो कभी कभी ऐसा होता गिन लिए तो ठीक है,
पेपर भूल जाते हैं तो कोर्स में क्या है, कोर्स में हमें एड्रेस डाल दिया, एड्रेस में कोर्स डाल दिए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े हम। और अगला जो ऑप्शन है वह है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अब कन्वर्ट टू टेक्स्ट का मतलब यह है कि जब आपने कोई डाटा टेबल में बना कर रखा है और टेबल से डायरेक्टली में क्या करना है आपको, टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जो हमारा टेबल बना हुआ गायब हो जाए, केवल हमारा क्या हो, टेक्स्ट लिखा लिखा दिखाई दे, मतलब जैसा टेक्स्ट लिखा रहे वहीं पे, लेकिन टेबल जो रो कॉलम दिख रहा है वह हट जाए, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर कभी ऐसा भी हो सकता है जब केवल टेक्स्ट लिखे और लिखने के बाद हम सोच रहे हैं कि वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो अभी ऑप्शन दिया है। तो चलिए पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट और अभी पढ़ेंगे हम लोग टेबल टू, ठीक है, टेक्स्ट टू टेबल। तो चलिए टेबल में हमारा डाटा बना हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कर देते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो देखो पूछा जाता है क्या कोई पैराग्राफ है, तो बोला नो, टैब, तो रियल में टैब बटन दबाते ही लिखा था, तो सबसे अच्छा है टैब, थोड़ा दूरी दूरी दिखेगा, अगर कर देंगे कामा तो कामा लिख के आएगा, मतलब सीरियल नंबर कामा ऐसे हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए टैब रखेंगे, या अगर कोई साइन लगाना है तो साइन लगा ले, तो कुछ नहीं सबसे अच्छा टैब बस कर देंगे। ओके क्लियर है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, टेबल गायब हो जाएगा लेकिन हमारा डाटा है, लेकिन हम सोच रहे नो, जो हमारा डाटा है उसको हम क्या कर दे, टेबल में कन्वर्ट कर दे, इसके लिए हमको आना पड़ेगा इंसर्ट पे और यहीं पे ऑप्शन है टेबल, और टेबल पे आने के बाद से यहीं पे देखो ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो जैसे कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो पूछा जाता है क्या है कॉलम का बीच जैसा वैसा रहने दो, बस ओके कर दो। क्लियर है, तो आप आसानी तरीके से इसका प्रयोग करके देख सकते हो। बोलो ये ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? हाँ, चलिए लास्ट ऑप्शन है फार्मूला। अब फार्मूला का मतलब क्या है, अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पेंडिंग फीस कितना है हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो सपोज कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इनका फीस लिख देते हैं कि डीसीए का हमने कर दिया क्या 9,000, नीचे आते हैं और कर दिया 13,500, सपोज इन्होंने दे दिया क्या है 8,000 और यहाँ पे इन्होंने 12,000, सपोज हम यहाँ पे आते हैं लिख दिए 1,000 और नीचे आ जाते लिख दिया हमने 1,500। अब टोटल ऐसे लगभग 20-25 लोगों का डाटा हमने बना दिया और हम चेक करना चाहते हैं कितना टोटल पैसा पाना है, तो एक तो तरीका जोड़िए 1,000, 1,525 हो गया ना, लेकिन ज्यादा हो तब कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, या तो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेटर का, तो कॉपी निकालेंगे लिखेंगे तब जोड़ेंगे 1, 2, 3, 5, 6, 10 आया तो इसका 0 है, ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है, इसके लिए क्या रहेंगे क्या, बस यहाँ पे नीचे आते इसके, इसको डिलीट किया और इसके नीचे आने के बाद से आ जाएंगे लेआउट में और यही पे फार्मूला, फार्मूला पे क्लिक और ओके बता दिए 2500। क्लियर है, चलो अगर मान लो कई लोग परेशान होंगे, चलो 1 और 2 लिखा ना हमने, 1, 2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ पे फार्मूला जहां पे लगा दे वही पे काम करेगा, ओके 3। अब कहोगे सर अगर ऐसे डाटा हो तो 1, 5, 6, 9 इसको जोड़ना है, तो कोई बात नहीं आप क्लिक करो लास्ट में और फार्मूला पे क्लिक कर दो, अपने आप समझ जाएगा, देखो इक्वल सम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट साइड से डाटा लेगा, कर देंगे ओके ठीक है। घटाना अभी तरीका इसमें नहीं, आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना, मतलब इसमें जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आगे घटाना भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए अगला चैप्टर रहेगा। क्लियर है ना, इतना आप लोग कर ले जाओगे तो हमने टेबल कंप्लीट आपको पढ़ाया, 2 दिन लगा लेकिन कंप्लीट हमने बताया, एक एक ऑप्शन के बारे में समझाया किसका क्या यूज है कैसे करेंगे, तो आप लोग इसका प्रयोग करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके चलिए आज के लिए बस इतना ही।